पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चंद्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायुरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायुरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये ब्रह्मचारी अब आगे योगाभ्यास का प्रदर्शन करेंगे। हम हमेशा कहते हैं हेल्थ में नंबर वन रहना चाहिए, हेल्थ में, फिटनेस में, शार्पनेस में, पढ़ाई में, हर काम में हमें प्रथम कोटि का रहना है। और ऐसे हमारे ब्रह्मचारी सभी बहुत ही उत्तम कोटि के हैं और अब योगाभ्यास अपना शुरू करेंगे। को अपने भारत के मिट्टी से अनुपम प्यार है, हमको अपने भारत के मिट्टी से अनुपम प्यार है, हमको अपने भारत के मिट्टी से अनुपम प्यार है, हमको अपने भारत के मिट्टी से अनुपम प्यार है। अपना तन मन जीवन सब, अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है, अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है, हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। इस मिट्टी में जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने, इस धरती पर गीता गाई यद कुलभूषण श्याम ने, इस मिट्टी में जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने, इस धरती पर गीता गाई यद कुलभूषण श्याम ने, इस मिट्टी में जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने, इस धरती पर गीता गाई यद कुलभूषण श्याम ने, इस धरती के आगे मस्तक, इस धरती के आगे मस्तक झुकता बारंबार है, हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है, हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है।
मिट्टी की शान बढ़ाए तुलसी सूर कबीर ने, अर्जुन भीम अशोक प्रतापी भगत सिंह से वीर ने। इस मिट्टी की शान बढ़ाए तुलसी सूर कबीर ने, अर्जुन भीम अशोक प्रतापी भगत सिंह से वीर ने। अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। कण मंदिर इस माटी का, कण कण में भगवान है। इस मिट्टी का तिलक करो, ये पावन हिंदुस्तान है। कण कण मंदिर इस माटी का, कण कण में भगवान है। इस मिट्टी का तिलक करो, ये पावन हिंदुस्तान है। जोरदार तालियां इन ब्रह्मचारियों के लिए। छोटे से स्थान पर बहुत जोरदार योगाभ्यास का कार्यक्रम किया और इतने फुर्तीले हैं, आगे पीछे दोनों तरफ छलांग लगाते। मैं दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं परम श्रद्धेय परमादरणीय स्वामी जी महाराज से निवेदन करता हूं और श्रद्धेय आचार्य श्री जी से निवेदन करता हूं, वो आकर दीप प्रज्वलित कर और अन्य जो वरिष्ठ हैं वो भी दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सब मिलकर के मेरे साथ एक प्रार्थना को उच्चारण करेंगे। वह शक्ति हमें दो, दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो, सब बोलिए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उप निज जीवन सफल बनावे। निज आन मान मरिया ध्यान रहे अभिमान रहे। प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। ये सबको बोलना भी और ऐसे जीना भी है। जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उस
किसी पर हो जामे, जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जामे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। तो आज हम सब पतंजलि के गौरवशाली 21 वर्ष पूर्ण होने पर ये उत्सव मना रहे, जिससे कि हमारा उत्साह और बढ़े। आप में से काफी भाई बहन हैं जिन्होंने पतंजलि की इस यात्रा को शुरू से लेकर के आज तक देखा है, उसके साक्षी रहे हैं। कुछ 18-20 साल के बच्चे भी हैं, शायद वो उस समय पैदा नहीं हुए थे। यहाँ आधे से ज्यादा जवान हैं, उन जवानों के लिए भी एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाइए, बहुत बड़ी ताकत है वो हमारे हिंदुस्तान की। और दुनिया का सबसे युवा देश, दुनिया का सबसे यंग कंट्री यदि कोई है तो भारत देश है, और भारत के ये युवा ही भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे और भारत दोबारा से पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। ऐसा परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु वर्ल्ड सुपर पावर आपको ही तो बनाना इस भारत को। तो बहुत से हमारे युवा हैं, उसमें कुछ 18-20 साल के हैं, शायद वो जब पैदा नहीं हुए थे उस समय पतंजलि का ये कार्य शुरू हो गया था दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में। फिर अलग अलग ट्रस्ट बने, पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, भारत स्वाभिमान, ग्रामोद्योग, और फिर अब वैदिक शिक्षा संस्थान, अलग अलग दो बड़ी सोसाइटियां, पांच बड़े ट्रस्ट और पांच बड़े संगठन, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, किसान पंचायत, ये पांच बड़े संगठन देश भर में काम कर रहे हैं। और पतंजलि योग पीठ से एक ही अभियान शुरू हुआ, इस अभियान के मूल में योग है, अध्यात्म है, भगवान की शक्ति है, और करोड़ों देशभक्त, देश के नागरिकों का इस पूरे अभियान को समर्थन मिला। और आज जब किसी भी फील्ड में हम नंबर वन होते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम प्रथम कोटि को होते हैं, तो हमें बहुत गौरव होता है, पूरे पतंजलि परिवार के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज पूरी दुनिया में योग के क्षेत्र में नंबर वन कोई संस्थान है तो वह आपका पतंजलि संस्थान है, ये आपका गौरव है। आयुर्वेद के क्षेत्र में 200-200 साल पुरानी कुछ फार्मेसियां थी, वो काम कर रही थी, लेकिन 21 वर्ष पहले जो दिव्य फार्मेसी श्रद्धे आचार्य बागचंद जी महाराज जी के तप से, पुरुषार्थ से प्रारंभ हुई, आज देश ही नहीं क्योंकि पूरी दुनिया में तो एलोपैथी की ज्यादा दवाई बनाई जाती है, कुछ चाइनीज पद्धति की और कुछ दूसरी पद्धतियों की है, आयुर्वेद सबसे ज्यादा भारत में ही फला फूला है, कुछ यूनानी आदि दूसरी पद्धतियां दूसरे देशों में भी चलती हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में देश ही नहीं पूरी दुनिया में नंबर वन फार्मेसी वो दिव्य फार्मेसी है, और वो भी आपके पतंजलि परिवार का गौरव। तो योग में आप लोग नंबर वन है, आयुर्वेद में आप नंबर वन है, और स्वदेशी का कार्य पिछले 200 वर्षों से लगातार एक अभियान के रूप में, आंदोलन के रूप में चल रहा है। पश्चिम बंगाल से स्वदेशी का आंदोलन शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने इस देश को लूट लिया, आर्थिक दृष्टि से दरिद्र बना दिया और गुलाम बना लिया, तो देशभक्त लोगों ने स्वदेशी का आंदोलन शुरू किया, लेकिन वो स्वदेशी का आंदोलन कमजोर पड़ गया था। ये अलग बात है कि 18वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति रहा, शिक्षा के क्षेत्र में भारत नंबर वन था। और एक और भी बड़ा सत्य है
कि भारत ने ही पूरी दुनिया को सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम दिया, हेल्थ सिस्टम दिया, टैक्सेशन सिस्टम दिया, जुडिशरी सिस्टम दिया, पॉलिटिकल सिस्टम दिया, सोशल सिस्टम दिया, फैमिली सिस्टम दिया। पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देने वाला भारत था और पूरी दुनिया पर आर्थिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक दृष्टि से नेतृत्व करने वाला भारत था। 18वीं शताब्दी तक उसका वर्चस्व बहुत ऊंचा रहा, लेकिन अलग अलग देशों के लोगों ने आकर के भारत को बहुत लूटा। भारत का शौर्य, भारत का पराक्रम थोड़ा कमजोर पड़ा, आपस में फूट पड़ी, लोग जाति पाति के नाम से एक दूसरे से लड़ने लगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित शूद्र आदि आपस में लड़ते झगड़ते रहे, प्रांतवाद, भाषावाद और कई तरह के उन्माद यहां पनपे। उसके कारण से देश बहुत पीछे गया, गुलाम रहा। बाद में पुनः देश का शौर्य जगा और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पूरा हिंदुस्तान एक हुआ। और जिन अंग्रेजों की हुकूमत 70 से ज्यादा देशों में थी, जिन अंग्रेजों के साम्राज्य का सूर्यास्त कभी नहीं होता था, उनको भी हमने परास्त करके यहां से भगाया और आज हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। उन शहीदों को, उन बलिदानियों को हमारा प्रणाम है, सलाम। 18वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, तब ये देश स्वदेशी के रास्ते पर चलता था। अपने देश की भाषा को, अपने देश की वेशभूषा को, अपने देश के भजन को, भाव को, संस्कृति को, भोजन को, सब चीजों को बहुत महत्व देता था। अपनी यहां पर दवाई थी, अपने यहां पर पढ़ाई थी, अपना यहां पर कारोबार था, अपना यहां पर व्यापार था, सब कुछ अपना था। धीरे धीरे हम अपने को घटिया और बाहर की चीज को बढ़िया मानने लगे, उससे देश थोड़ा कमजोर पड़ा। आज भी देश में कमोबेशी हालात, अब परिवर्तन हो रहा है, नहीं तो बाल देसी होते थे और इनमें शैंपू डोव, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, विदेशी शैंपू लगते थे। दांत देसी होते थे, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप विदेशी टूथपेस्ट होता था, चमड़ी देसी और इसके ऊपर लक्स, लाइफबॉय, डॉ और फेयर एंड लवली विदेशी लगती थी। अब समय बदल रहा है, अब लोग विदेशी शैंपू को छोड़ करके केश कांति तेल का और केश कांति शैंपू का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप को छोड़कर के दंत कांति की ऐसी क्रांति मची हुई है कि मुझे लगता है अंग्रेजों की तरह थोड़े दिनों में कोलगेट भी देश छोड़ के भाग जाएगा। इतनी बड़ी क्रांति हो रही है, पूरे देश में एक बहुत बड़ा सकारात्मक वातावरण बना है। आज पतंजलि के हर्बल सोप, पतंजलि के एलोवेरा जेल से लेकर के ब्यूटी क्रीम हो, एंटी रिंकल क्रीम हो, मॉइस्चराइजर क्रीम हो, बॉडी लोशन हो, पूरा देश इस्तेमाल करने लगा है। आज सारी क्षमताएं जो हर रोज 25 टन, 50 टन, 100 टन, 200 टन की जो रोज की क्षमताएं थी, वो कम पड़ने लगी हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं, अभी तक विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान के किसी कंपनी को सीरियसली नहीं लेती थी। अभी पतंजलि 99% विदेशी कंपनियों को परास्त कर चुका है, खाली एक कंपनी आगे रही है। आप सबकी मेहनत से वो भी पराजित तो हो जाएगी और पतंजलि देश का नंबर वन होगा। ये आपकी ताकत है, आप सब लोग इसके लिए मेहनत करते हो। मैं देखता हूं, अभी तो मैं सारे प्लांट्स में गया था, सारे देश को हमने दिखाया कि पतंजलि में क्या क्या हो रहा है। मैं च्यवनप्राश के प्लांट में गया तो और लगे हुए छोटा मारने जोर जोर से। पतंजलि में च्यवनप्राश के प्लांट में जो काम करते हैं भाई, सबसे ज्यादा पसीना वो बहाते हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। क्योंकि वो जो पिष्टी भुननी पड़ती है, तो पिष्टी तो भुनती भुनती है, वो पिष्टी भुनते भुनते आदमी का भी पूरा जूस निकलता है, बहुत पसीना निकलता है। और च्यवनप्राश की पिष्टी से लेकर च्यवनप्राश बनाने तक उसकी घुटाई होती है, बहुत मेहनत करते हैं। खाली एक च्यवनप्राश के प्लांट की बात नहीं करता, पूरे दिव्य फार्मेसी से लेकर के घी बनाने वाले यूनिट, वहां तो सर्दी में भी कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनता, क्योंकि चारों तरफ जो है उसमें अग्नि होती है, उसमें कहीं मक्खन मेल्ट हो रहा है, कहीं पक रहा है। सब लोग, चार दिव्य फार्मेसी की बात हो, चाहे घी बनाने वाली यूनिट की बात हो, D38 की बात हो, अलग अलग यूनिट्स जहां पर ये सारे कार्य चल रहे हैं,
उन सब यूनिट से लेकर के, चाहे कॉस्मेटिक की बात हो, चाहे फूड की बात हो, चाहे जूस यूनिट की बात हो, चाहे आटा, चाहे वो यहां पर पीछे दिव्य फार्मेसी की यूनिट सेकंड की बात हो, चारों तरफ मैं देखता हूं आप जी तोड़ मेहनत करते हैं। आपकी मेहनत के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके इस कार्य निष्ठा को, आपके पुरुषार्थ को, आपकी मेहनत को सलाम प्रणाम अभिनंदन। देखो भाई, ये जो काम है ना, ये काम एक आदमी नहीं कर सकता, ये सब की मेहनत से ये काम हो रहा है। तो सब लोगों ने बहुत मेहनत की है और अब ये मेहनत रंग ला रही है। 200 वर्षों से मैं कह रहा था स्वदेशी का आंदोलन चल रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे सिसक रहा था और प्राय उसकी मौत हो चुकी थी। लोग स्वदेशी का गौरव भूल चुके थे। आप लोग कुछ टीवी देखते हैं, कुछ अखबार पढ़ते हैं, कुछ इंटरनेशनल नेशनल मैगजीन्स पढ़ते हैं, पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया के अखबार, पूरी दुनिया के मैगजीन्स और हिंदुस्तान के अखबार आज पतंजलि के नाम से भरे पड़े हैं। आज गूगल के ऊपर भी हर रोज लाखों लोग पतंजलि को सर्च करते हैं। पतंजलि को ये इतनी बड़ी ताकत आप सब लोगों ने मिलकर दी है, एक बार सबका सामूहिक रूप से बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सबको वंदन है, प्रणाम। और यहां सब वरिष्ठ बैठे हुए हैं, हमारे जवाहर ठाकुर जी हैं जो अपने पतंजलि विश्वविद्यालय में जो है कुल सचिव के तौर पर बहुत निष्ठा से उसको आगे बढ़ा रहे। श्रद्धे आचार्य जी के मार्गदर्शन में एक बार हमारे जो है जवाहर ठाकुर जी का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। पतंजलि विश्वविद्यालय का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं हमारे राकेश शर्मा जी, जो इस आयुर्वेद को इस ऊंचाई तक ले जाने के लिए, पतंजलि के इस दिव्य कार्य को व्यापक रूप में पूरे देश भर में फैलाने के लिए बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। आदरणीय राकेश शर्मा जी का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और आदरणीय भरत जी शरीर से भी बड़े ठाड़े हैं और काम करने में भी बहुत ठाड़े हैं, एक बार इनका भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। श्रद्धे आचार्य श्री की वो बहुत बड़ी शक्ति है और इस सारे कार्य के मूल में ये सारी सृष्टि, ये सारा सृजन श्रद्धे आचार्य श्री के पुरुषार्थ का, उनकी दूरदृष्टि का और उनके बहुत बड़े सब प्रकार के कौशल का परिणाम है। एक बार सब की ओर से श्रद्धे आचार्य भाषण जी महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन, उनको प्रणाम और वंदन है। जब श्रद्धे आचार्य श्री ने कार्य शुरू किया था तब कहीं बड़े बड़े नाले, कहीं पर गड्ढे, ऊबड़ खाबड़ जमीन, कहीं पर किसी की ईख, कहीं पर किसी का धान, कहीं पर किसी की सब्जी, छोटे छोटे किसान, सैकड़ों लोगों से जमीन लेना जुटाना, ये बहुत बड़ा काम है। और हमने कोई विचार नहीं किया कि ये जमीन हिंदू की है कि मुसलमान की है, ये गांव हिंदू का है कि मुसलमान का है। आज देखो एक बात मैं बहुत गौरव के साथ कहना चाहता हूं, पतंजलि एक ऐसा संस्थान है जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी मजहब और जाति का कोई भेदभाव नहीं है, ये सबका संस्थान है। सब एक साथ प्यार और मोहब्बत से यहां पर काम कर रहे हैं। और श्रद्धे आचार्य श्री ने यहां पर इस जंगल में इतना बड़ा मंगल किया, पतंजलि ग्रामोद्योग से लेकर के सभी सेवा कार्यों में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाने वाले आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी का भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे फूड के आदरणीय नागपाल जी और हर्बल कॉस्मेटिक के हमारे रविंद्र जी, ये दोनों भी हमारे क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट्स हैं इस पतंजलि के इस अनुष्ठान में, एक बार इनका भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और पतंजलि योगपीठ के कार्यों को बहुत विस्तार देने वाले हमारे आदरणीय श्री ललित मोहन जी यहां पर हैं, एक बार उनका भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। पिछले 14 सालों से लगातार श्रद्धे आचार्य श्री के साथ ये सेवा और पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे घी की यूनिट में आदरणीय हमारे सैनी जी और हमारे
गिरिराज यादव जी ने बहुत पुरुषार्थ किया एक बार, सैनी जी का और गिरिराज यादव जी का भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बहुत ऊर्जावान भाई हैं, सब पूरी ऊर्जा से लगे हुए इस कार्य में। ये कार्य बहुत प्रोफेशनली एंड स्पिरिचुअली, माने प्रोफेशनलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म दोनों की स्पिरिट एक साथ है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पिरिचुअल करेक्ट इसके मूल में है। और आदरणीय हमारे भाई श्री दीपक सिंघल जी का, और बहुत लंबे भी हैं और बड़े मजबूती से काम कर रहे हैं, आदरणीय श्री शर्मा जी और आदरणीय श्री नाग जी, जो दिव्य फार्मेसी को बहुत कुशलता से चला रहे हैं, इनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन है सबकी ओर से। तो हमारे डीएन शर्मा जी जो पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज बहुत ही प्रामाणिकता से संचालित कर रहे हैं, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे डॉक्टर नीरज जी, योग ग्राम का यश पूरी दुनिया में फैला दिया, एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन सबकी ओर से। डॉक्टर नीरज जी और हमारे राजपूत जी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। आज योग ग्राम में करीब 700 लोगों के रहने की व्यवस्था हो गई है, 300 से ज्यादा वहां जो थेरापिस्ट और दूसरे सेवा देने वाले डॉक्टर्स और दूसरे लोग हैं। श्रद्धे आचार्य जी ने 72 दिनों में योग ग्राम बनाया था, वो भी पूरी दुनिया का बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। आचार्य जी कह रहे हैं 72 महीने 68 दिन में बना था, तो आचार्य जी दो दो महीने में इतना इतना बड़ा सृजन कर देते हैं। और हमारे अविनाश झा जी जो बहुत ही ऊर्जा के साथ इस सेवा में लगे हैं और अपने इस अभ्युदय विभाग में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे LR सैनी जी जो पूरे देश भर में हमें आचार्य कुलम की वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा की क्रांति करने, उसको बहुत बड़ा नेतृत्व दे रहे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सैनी साहब का भी। और हमारे आदरणीय श्री सुरेश चंद मलिक जी और कुंडू जी दोनों का एक बार जोरदार अभिनंदन है, रामनिवास कुंडू जी और सुरेश चंद मलिक जी का, जो PVRI का और ग्रामोद्योग का जो बहुत बड़ा अपना कार्य है, बहुत बड़ी सेवा है, उसको प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे YD आर्य जी जो हमारे फाइनेंस के बहुत ही कुशल हमारे व्यक्तित्व हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन YD आर्य जी का। हमारे विनोद तिवारी जी और हमारे कुमार साहब दोनों का एक बार जोरदार अभिनंदन है, वित्त से लेकर के और पूरे ये जो कार्य है आदरणीय भरत जी का, ये परचेजिंग का और पैकेजिंग का बहुत बड़ा कार्य सेवा में देख रहे हैं। और इधर है हमारे आदरणीय श्री फूलचंद जी जो हमारे श्रद्धे गुरुदेव के मार्गदर्शन में वैदिक गुरुकुलम चरव सेवा को बहुत दिव्यता से निभा रहे हैं, देखने में छोटे से काम बहुत ही प्रामाणिकता से करते हैं, एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन।